संडे था तो मैंने पनीर टिक्का बनाया था, और बहुत ही इजी होता है और सिंपल होता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो सबसे पहले शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पनीर ले लेना है। अब इसमें कुछ मसाले डाल के इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, और उसके बाद आपको उसे सेक लेना है गैस पे। मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा दही, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके डाल दूंगी पहले। सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी मसाले मैंने डाले हैं वो अच्छे से इसमें आ जाएं, इसका फ्लेवर दें। और उसके बाद ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम एक सीख लेंगे और उसमें एक एक करके ये वेजिटेबल्स लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी भी स्टिक तैयार कर लेंगे, और उसको रेडी होने के बाद हम इसे गैस पे सेकेंगे, और उसके बाद अपनी प्लेट तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसे गैस पे भी सेक सकते हो, और आपके पास अगर बारबेक्यू का अगर सामान हो तो उस पे भी आप कर सकते हो। मैंने तो गैस प्रीफर किया क्योंकि मेरे पास गैस था अवेलेबल, और इसे अच्छे से सेक लेना है हर तरफ से। दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए तो इस पे लाल मिर्च पाउडर और ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके प्लेट में डाल देना है। हाँ, हमारा पनीर टिक्का रेडी हो चुका है, और आप भी इसे इंजॉय करिए। और संडे को आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि अगर आप ये रेसिपी ट्राई करोगे तो आप बाहर जैसा घर पे भी टेस्ट पा सकते हो। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको पसंद हो तो आप इसे लेमन के साथ भी करना। तो मेरे पास लेमन था नहीं अवेलेबल, आप इसके ऊपर लेमन भी डाल सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा।